नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। आज हम बात करेंगे नीलम रत्न की। नीलम रत्न बड़ा ही खतरनाक रत्न है और जिसको सूट कर जाए उसे रातों रात ऊपर पहुंचा देता है। नीलम रत्न बड़ा ही खूबसूरत रत्न है, जैसा कि आप यहाँ मेरे पास देख पा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत रत्न है ये। जम्मू का बेस्ट क्वालिटी नीलम है। जम्मू का बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी जम्मू की आती है। बहुत सारे लोग मानते हैं सिलोन की बेस्ट क्वालिटी होती है नीलम में। सिलोन का नीलम इतना सुंदर नहीं होता जितना जम्मू का नीलम होता है, और रिजल्ट जम्मू के नीलम की बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू सिलोन या एज कंपेयर टू थाईलैंड वाले नीलम से। बड़ा खूबसूरत है, इसकी ट्रांसपेरेंसी 90 है, 90 ट्रांसपेरेंसी है, और बड़ा ही खूबसूरत रत्न है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, डार्क ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू नीलम है विद चांदी सिल्वर रिंग में। बहुत खूबसूरत रंग है, बहुत खूबसूरत नीलम है। अब मैं आपको बताता हूं नीलम रत्न के फायदे। नीलम रत्न बहुत ही खूबसूरत रत्न है और ये शनि देव का रत्न है। नीलम रत्न कोई भी धारण कर सकता है, ये अपने मन से निकाल दीजिए। वह नीलम रत्न जिसको सूट करता है उसको लाभ देता है, और जिसको सूट नहीं करता उसकी रातों रात उसे रंक बना देता है। जैसे कहते हैं ना, ग्रह राजा बना देते हैं और राजा को भी रंक बना देते हैं, उसी प्रकार नीलम रत्न एक बहुत ही खतरनाक रत्न है जिसे कोई भी नहीं धारण कर सकता। सारे रत्न खतरनाक हैं अगर आप उन्हें अपने, ये एक ऐसा हथियार है जो आपको अगर आपके फायदे के लिए चलेगा तो आपके आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगा, अगर आपकी तरफ चलेगा तो आपको बर्बाद तक कर सकते हैं रत्न। नीलम रत्न बड़ा ही खतरनाक रत्न है, इसको ऐसे ही धारण नहीं किया जाता। आप देखिए, मकर लग्न, कुंभ लग्न, लग्न की बात हो रही है, वृषभ लग्न, कुंभ तुला लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न में ही ये धारण किया जा सकता है। लग्न की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। इन लग्न वालों के लिए नीलम रत्न हमेशा भाग्योदय कारक होता है, परंतु हमें विशेष दशाओं में हम और लग्नों को भी ये रत्न धारण करा सकते हैं। विशेष दशाएं, ध्यान रखिए, विशेष दशा। नीलम रत्न बड़े अलग अलग प्रकार का आता है। जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू का नीलम बेस्ट क्वालिटी, सेलोन अच्छी क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी आती है थाईलैंड की, जिसे बोलते हैं थाईलैंड का नीलम। इंडिया का नीलम बड़ा अच्छा होता है, जम्मू का नीलम बहुत अच्छा होता है। अब लोग कहें सेलोन का अच्छा होता है, तो आप समझ लीजिए वो अपनी क्या करना चाह रहे हैं, वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर है, वो तो अगर आपने उनके मूंगे की आप बात सुनी है, वो बोलते हैं, एक हमारे क्लाइंट हैं वो बोल रहे थे कि मूंगा तो आप सजेस्ट करते हो देसी मूंगा धारण करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ देसी मूंगा धारण करिए। तो और वो बोल रहे थे कि एक बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, हमने उनका यूट्यूब में देखा है, वो बोलते देसी मूंगे से कोई रिजल्ट नहीं आता, इटालियन मूंगा धारण कीजिए। देखिए, इटालियन मूंगा ऐसा नहीं होता कि वो इटली का मूंगा होता है इसलिए वो इटालियन मूंगा होता है, नहीं। देखिए, जो मूंगा सतह के ऊपर रहता है वो इटालियन होता है, क्योंकि वो ज्यादा धूप से पक जाता है, और जो नीचे होता है वो ऑरेंज हो जाता है, वो जिसे कहते हैं हम देसी मूंगा। अब जो इटालियन मूंगा होता है वो मंगल को तेज करने के लिए होता है, और जो देसी मूंगा होता है वो मंगल को एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है, वो मंगल को एक बैलेंस फॉर्म में ले आता है। देखिए, जब हमारे यहाँ इतना इटली का ट्रेड नहीं था, जो लोग जानते ही नहीं थे इटली कहाँ है क्या है, तब भी तो लोग मूंगा धारण करते थे। और कौन सा धारण करते होंगे, इंडिया की, इंडियन माइंस का ही तो धारण करते होंगे, माइंस सॉरी, इंडियन सी का ही तो धारण करते थे, परंतु नहीं, बिजनेस बना रखा है। अगर जो आप, अगर हमसे, अगर आपने स्टोन लिया होगा तो आप तो हमारे सब वो जानते ही हैं, आप हमसे सजेस्ट करवा सकते हैं, कुंडली रीड कराइए, देन आपको कोई भी स्टोन सजेस्ट किया जाता है, ऐसे हम आपको स्टोन नहीं सजेस्ट करते। अब इस स्टोन, नीलम स्टोन की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, एंड देन इसे हम अपने जो यजमान हैं उनको सेंड करते हैं बाय पोस्ट।
अगर आपको रत्न धारण करना है, जो रत्न आपके लिए बेस्ट होगा, देखिए हम हमेशा उस रत्न पे फोकस करते हैं जो आपके लिए भाग्य रत्न है, जो आपके लिए लाभकारी है, वरना रत्न आपको पहनाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ एमिथिस्ट स्टोन, कटहला बहुत प्रचलन में आ रहा है, तो अब लोग पूछते हैं कि हम कटहला रत्न धारण कर लीजिए। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, मंगल उसमें बहुत अच्छा माना जाता है, और मंगल 10th हाउस में बैठकर कुलदीपक राजयोग बना रहा है, और मंगल वहां पे दिशावली भी है, और पर मंगल की डिग्री है 25 से 26 मंगल की डिग्री है। अब वो इंसान बोल रहा है कि मुझे शनि का रत्न कटहला धारण करना है, क्योंकि लोग धारण कर रहे हैं तो मैं भी धारण करूं। अरे सर सुनिए, कटहला रत्न से ज्यादा आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, कटहले से आपको इतना फायदा मिलेगा, मूंगे से आपको इतना फायदा मिलेगा। उसी प्रकार भेड़ चाल में मत पड़िए, आप हमेशा रत्न को ध्यान से ज्योतिष की सलाह लेकर आप सलाह लीजिए, आपको फिर हम रत्न सजेस्ट करेंगे और बेस्ट रत्न आपको देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराकर आपके रेजिडेंस तक हम उससे रत्न को पहुंचाते हैं। जिन्होंने हमसे रत्न लिए हैं वो हमसे हमारे सब वो उसको जानते हैं कि हम आपको कितनी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, क्योंकि लो क्वालिटी हम खरीदते ही नहीं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। नीलम रत्न ध्यान से धारण कीजिए। अगर आप ध्यान करते हैं नीलम रत्न, तो उसकी एनर्जाइजेशन कैसे करें रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में, बेस्ट क्वालिटी का आप ये नीलम देख पा रहे हैं यहाँ, बड़ा खूबसूरत नीलम है, आप तक हम ये पहुँचाते हैं, और जो जिनका ये नीलम है वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप को हम ये प्राण प्रतिष्ठित करके पहुँचाएंगे, और प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपको मैं प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाऊंगा, और आप प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हमारे इस चैनल के साथ सदस्यता जोड़िए, हमसे सदस्यता जोड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी रेगुलर आने वाली वीडियोज आप तक अछूई ना रहे या आपसे अनदेखी ना रहे। इसी आशा करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको मन में कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग टू योर स्टोन, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, टाइम लीजिए, आप जो टाइम आपको सुटेबल रहेगा, जो टाइम मेरे को सुटेबल रहेगा, आप उसमें मेरे से सलाह लीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा बेस्ट स्टोन आपके लिए कौन सा रहेगा, और आपको रेमिडीज तो मैं बताता ही हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ज्ञान की बात के साथ में। नमस्कार।